आपके भरोसे पर खरे उतर कर। हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास। बहराइच के सांसद अक्षय बर लालकुंड के दरवाजे पर पहुंची नाबालिग युवती ने फफक फफक कर रोते हुए भाजपा नेताओं पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। युवती का आरोप कि बहराइच के बीजेपी नगर उपाध्यक्ष हरि गुप्ता व उनके सहयोगी पवन पाल ने मिलकर एक मामले में मदद करने का भरोसा देकर दुष्कर्म किया। जब युवती ने इसका विरोध किया तो भाजपा ने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अगर कहीं इस घटना का जिक्र सार्वजनिक किया तो पूरे परिवार की हत्या कर दी जाएगी। पीड़िता का ये भी आरोप है कि गैंगरेप की घटना के बाद वो लगातार अपने परिजनों के साथ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए स्थानीय थाने का चक्कर लगाती रही, लेकिन बीजेपी नेताओं के दबाव में किसी भी पुलिस कर्मी ने उसकी एक ना सुनी। जब पीड़िता ने फखाड़ कर लखनऊ कमिश्नर के पास पहुंची तब जाकर लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद सांसद के चौखट पर पहुंची पीड़िता ने रो रो कर आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं के दबाव में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही और न ही मामले की जाँच की जा रही है। पीड़िता का ये भी आरोप है कि मामले को सुलह करने के लिए पुलिस ने पीड़िता के पिता व उसके 2 भाइयों के ऊपर फर्जी तरीके से जबरदस्ती मुकदमा दर्ज कर दिया ताकि अपने परिजनों को बचाने के लिए पीड़िता अपना मुकदमा वापस ले ले। पीड़िता का आरोप है कि अक्षर बरलाल गौड़ व एमएलसी प्रज्ञा त्रिपाठी से मिली और हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाई। आरोप है कि बीजेपी नगर उपाध्यक्ष हरि गुप्ता अपने साथी के साथ मिलकर नशे की गोली खिलाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। जब इस मामले में इसका नाबालिग ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में पुलिस संलिप्तता भी बेहद करीबी से नजर आ रही है। वजह यह है कि पीड़िता के पिता व भाइयों के ऊपर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमे में गिरफ्तारी को लेकर रोडवेज चौकी इंचार्ज विरोध सिंह ने पुलिस रौब दिखाते हुए शहनवासपुर के ग्राम प्रधान अनिल निषाद को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी है, जिसका ऑडियो भी वायरल हो चुका है। बता दें कि एसपी ने दरोगा को निलंबित कर दिया है। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी सरकार में हर दोषी को सजा देने की बात कहां तक सच साबित होती है। प्रार्थना दोनों है कि सर हमारी मदद कीजिए, जो भाजपा नेताओं से भी हमारी यही अपील है कि हमारी मदद कीजिए सर। जो सर मेरे पिताजी और मेरे भाई, मेरे बुआ जी सब लोग उन लोग की हत्या करने की चाह सर, हम लोग कहाँ जाए, हम लोग सुसाइड करने के मोड पे आ गए सर, हम लोग की मदद कीजिए। नहीं करेंगे तो हम लोग सारे मिट्टी के तेल डाल के हम लोग पेटी जला देंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तो सुनने के लिए हमारी तैयारी ही नहीं। नाम नीलम पाल। क्या नाम आपका? नीलम पाल। क्या घटना हुई है आपके साथ में और कहाँ भाई? सर मेरे साथ बलात्कार हुआ है, मैं यहाँ प्रज्ञा बहन से मिलने आई हूँ। सर इतना दबाव था भाजपा नेताओं का कि सर मेरा भैया यहाँ रिश्ते थाने में नहीं हुआ, हम लोग पहले लखनऊ से भैया करवा के विवेचना के तौर पर यहाँ आए। सर इतना दबाव है हम लोग के ऊपर कि मेरे अब हम लोग का जीना वो हुआ है सर। कल विवेचना के लिए हम लोग जा रहे थे, वहाँ भी हम लोग के पीछे दोनों लोग पड़े थे। हरि गुप्ता ये नगर उपाध्यक्ष है भाजपा के नेता और पवन पाल। क्या धमकी मिल रही है? जान से मार देंगे मेरे पिताजी को, 376 के मुकदमे में मेरे पिताजी को और मेरे 2 भाइयों को फर्जी मुकदमे में। ये नारपारा की एक मुस्लिम नाम की लड़की है सूफिया, उसके तरफ से ये 376 का मुकदमा मेरे पिताजी के ऊपर लगा दिया है। अभी आप कहाँ आई हो? मैं यहाँ मिलने आई हूँ प्रज्ञा मैम जी से। जैसे सर मतलब हम लोग प्रतिज्ञा मैम से मिलने आए हैं सर, लेकिन सभी भाजपाओं से हमें अनुरोध है कि हमारी मदद किया जाए। मैं अपने लड़की को लेकर सर मैं कहाँ जाऊँ, सब 3-4 लोग इन लोगों के साथ बलात्कार किए हैं 2 लोग जो है सर। और ये बताइए कि मतलब हम इस बेटियों को कहाँ लेकर जाएं, कोई हम लोगों की सुनवाई नहीं कर रहा है। इन लोग नेताओं के दबाव में सभी लोग हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं कर रहा है सर जो है।